छात्राएं मजबूर हैं। बरसात में विद्यालय तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता नहीं है। उफनाई नहर पार कर कीचड़ भरे रास्ते से गुजरते हैं बच्चे। बबेरू विकास खंड के अच्छा गांव का मामला सामने आया, जहां पे पढ़ाई के लिए जोखिम में जान। ये देखिए, ये हैं नौनिहाल, जो किस तरीके से नदी पार करके जा रहे हैं। बदहाल व्यवस्था है, बदहाल रास्ते से होकर जाने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें भी शिक्षा ग्रहण करनी है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। लेकिन उस कुछ कर दिखाने के लिए किस तरीके से जद्दोजहद जारी है, ये तस्वीरें शायद बताने के लिए काफी हैं। बहुत दिक्कत होती, गिर जाते हैं और नहर बढ़ जाता है तो इतना सा पानी हो जाता, फिर आना पड़ता है स्कूल। तो नहर से क्यों आती हो? तो कीचड़ है ना, वहाँ से घूम के आते हैं तो गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, तो फिर आने पड़ता है उसको ले। नहर से हल्के आना पड़ता है, पानी बहुत गहरा है नहर, दो तीन लोग बूढ़ जाते हैं उसमें, तो रोज निकालना पड़ता है उन्हें, रास्ता भी खराब है। क्यों आते हो नहर से, क्यों आते हो? यहाँ की रास्ता के कारण आते हैं, बहुत गंदगी है यहाँ पर पड़ी है। दो जगह तालाब है और नहर के बीच से रास्ता निकला है, तो उसमें गंदगी बहुत लगती है, तो निकलने में दिक्कत पड़ती, गाड़ी वाड़ी नहीं निकल पाती है। मैं इस विद्यालय में लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हूँ और मैंने जब से देखा है कि बरसात के दिनों में सदैव इस रास्ते की यही स्थिति रही है। जब जानवर निकल जाते हैं, ग्रामीण ट्रैक्टर वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद इतना रास्ता खराब हो जाता है कि बच्चे क्या बूढ़े जवान सभी गिरते। रास्ता इतना बुरा है कि बच्चे रोज अति मतलब रोज किसी न किसी बच्चे कभी तालाब में गिर जाएंगे, कभी नहर में गिर जाएंगे। जब बरसात होती तो यहाँ ये रास्ता इतना बुरा हाल है कि मास्टर लोगों को तो गाड़ियाँ कहीं खड़ी करनी पड़ती है, अपना पैदल कहीं से आते जाते हैं, यानी कि मुसीबत का घर है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये नारा हमने खूब सुना होगा। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, शिक्षा पर पूरा फोकस कर रही है और शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते छात्रों को शिक्षा लेने के लिए कितनी जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, ये हम दिखाने के लिए आए हैं बबेरू के अछाँव गाँव में। देखिए, ये भरी हुई नहर है, बरसात का सीजन है और यहाँ पर इस नहर को पार करके इन बच्चों को विद्यालय आना पड़ता है। आखिर ये बच्चे, इन बच्चों का गुनहगार कौन है जो इनके शिक्षा लेने के बीच में बाधा बन रहा है? ये बच्चे नहर पार करके आते हैं और ये लोग गिर जाते हैं, चोटाहिल हो जाते हैं, इनको चोटें आती हैं, लेकिन अगर पढ़ाई करनी है तो आखिरकार विद्यालय तो जाना है, तो ये बच्चे रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी गहराई से जो है गुजर करके विद्यालय जाते हैं। और आप देखिए, ये विद्यालय का वो रास्ता है जो कीचड़ से पूरा भरा हुआ है, इसमें चारों तरफ कीचड़ है और इसी कीचड़ से गुजरकर इन छात्रों को विद्यालय जाना पड़ता है। बांदा से भारत समाचार के लिए राजनारायण तिवारी। सहारनपुर में बारिश के